जालियांवाला की साल के पहले सहमाही रिपोर्ट में 5% की जीडीपी रिकॉर्ड की गई है और आसाम की एनआरसी की फेरिस्त शाय किए जाने पर मजलिस से सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अवैसी ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 6 साल में 5% जीडीपी सबसे कम है, जो बीजेपी को वोट देने वालों की आंखें खोल देने के लिए काफी है। बैरिस्टर अवैसी ने एनआरसी पर कहा कि बीजेपी को मुल्क भर में एनआरसी लागू करने के बारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक लाहासिल अमल होगा। उन्होंने बताया कि आसाम से मुतालिक एनआरसी की खतई फहरिस्त गलतियों का पुलंदा है। कहीं वालिदिन के नाम गायब हैं तो कहीं बच्चों के नाम ही नहीं है। बीजेपी गैर कानूनी तारिकिन वतन का हवा खड़ा कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि वहाँ लोग बरसों से इस मुल्क में रह रहे हैं और पैदा भी हुए हैं। उन्होंने फौजी जवान सनाउल्लाह की मिसाल पेश की, इसे गैर कानूनी बाशिंदा करार दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये गैर कानूनी था तो फिर उसे फौज में किसने मुलाजमत दी थी। गोशामेल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने रियासत में एनआरसी के निफास का पुरजोर मुतालबा किया और बताया कि हैदराबाद में पनाह गजनों की तादाद में हालिया अरसे के दौरान बेतहाशा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने रियासत में 5,000 रोहिंगी मुसलमानों की मौजूदगी का एतराफ किया है। हैदराबाद के इलाके बालापुर में उनकी अक्सरियत सुकूनत पुजीर है। राजा सिंह ने इल्जाम आयद किया कि मजलिस इन पनाह गजनों को अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तरफा तमाशा यह है कि हकीकत के बावजूद तेलंगाना की हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी दौरान रियासती बीजेपी के तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने एक बयान में बताया कि रियासत में एनआरसी के निफास के लिए बीजेपी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से नुमाइंदगी करेगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी नहायत वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा, जो एचडी क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बेसाइड रियान होटल हैदराबाद, डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलती शोबे ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो डबल बेडरूम मकानात में 12% कोटा अखिलतियों के लिए मुख्तस करे। सदर शोबा शेख सुहेल, पार्टी तर्जुमान से निजामुद्दीन और सिटी यूनिट के सदर समीर वलीउल्लाह पर मुश्तमिल एक वफद ने आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड को एक याददाश्त पेश की। उन्होंने बताया कि 70% मुसलमान किराए के घरों में रहते हैं, चुनाचे उन्हें हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले मकानात में 12% डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएँ। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सिटी पुलिस से वाबस्ता 32 पुलिस अहदेदारों को, जिन्हें एसीपी और एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के अहदों पर तरक्की मिली, तहनीत पेश की। इस सिलसिले में आज पुलिस कमिश्नरेट में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स शिका गोयल, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डी एस चौहान, एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन एम शिवा प्रसाद, ज्वाइंट कमिश्नर एस बी तरुण जोशी, ज्वाइंट कमिश्नर सी सी एस अविनाश मोहंती, ज्वाइंट कमिश्नर ईस्ट जोन रमेश, ज्वाइंट कमिश्नर सेंट्रल जोन विश्वा प्रसाद भी शरीक थे।
अलवर पुलिस ने चैन छीन लेने की वारदातों में मुलविस सिराज मोहन को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से तलाई चैन से भरा हुआ एक बैग और 5 बैग्स बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर पद्मजा ने मीडिया को बताया कि राजमोहन मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हदूद में भी चैन छीन लेने की कई वारदातों में मुलविस था। उन्होंने बताया कि 4 दिन खबर हुई वारदात के बाद उन्होंने COT, CCS और अलवाल पुलिस पर मुश्तमिल 3 टीमें तश्कील दी थी, जिसकी सरकर्दगी मुतालिका इंस्पेक्टरों राम रेड्डी, वेंकट रेड्डी और पी यादगिरी ने की थी। हैदराबाद में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू फ्लेमिंग ने आज किले गोलकुंडा और 7 गुंबदों का दौरा किया। उन्होंने कुतुबशाही दौर में तामीर इन तारीखी इमारतों के फन की सिताइश की। भगवान देवी हॉस्पिटल डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, ऑपरेशंस फैसिलिटी एंड फार्मेसी। जूही क्लिनिक, 3rd फ्लोर अबव रिलायंस ट्रेंड्स, बिसाइड डी मार्ट, टोली चौकी, शेखपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आलमी सियासत और माली व तजारती इदारों में दरकार असलाहत लाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इन इदारों को जमीनी हकीकत के मुताबिक बनाया जाना चाहिए। वेंकैया नायडू आज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में एक मजाकरे में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मौसम की तब्दीली, टेक्नोलॉजी, तजारती तनाज़ात और दहशतगर्दी को एक आम चैलेंज समझते हुए इससे निपटने के लिए एक निज़ाम या मेकानिज्म की वकालत करता है। उन्होंने कहा कि इन उम्र पर तमाम ममालिक को एक आवाज़ होकर हमारुखी हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के 1/6 आबादी की नुमाइंदगी करता है और उसे सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए और इसका यह मुतालबा वाजबी भी है। ममलिकती वजीर खारजा वी मुरलीधरन, रियासती वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वजीर इंडस्ट्रीज गौतम रेड्डी और वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी पी हरीशा वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थे। बैडमिंटन के आलमी मुकाबले में चैंपियनशिप का एजाज हासिल करने वाली पीवी सिंधु ने आज नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू से हैदराबाद में उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। वेंकैया नायडू ने सिंधु को मुबारकबाद दी और कहा कि सिंधु पर पूरे मुल्क को फख्र है। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। नायब सदर जमहूरिया ने वज़ीर आज़म की फिट इंडिया तहरीक की सिताइश की और कहा कि सारे अमराज का हल है, अच्छी ग़िज़ा और अच्छी सेहत के असूलों पर कारबंद रहें तो बीमारियाँ खुद बहुत खत्म हो जाती हैं। इस मुलाकात के मौके पर पीवी सिंधु के वालिदिन भी मौजूद थे। बहादुरपुरे के रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने आज जुगनू फंक्शन हॉल रमनसपुरे में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा 488 चेक तकसीम किए। इस मौके पर तहसीलदार बहादुरपुरा के सुशीला, नायब तहसीलदार सैयद इरशाद, कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम हुसैनी पाशा और दूसरे भी मौजूद थे। मौजम खान ने बताया कि जुमला 4,76,93,000 रुपये की मालियत के रकम के जुमला 488 चक्स की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वजीर लेबर
सी मल्ला रेड्डी ने आज नागौल में एनिमल केयर सेंटर का अफ्तताह किया। इस मौके पर एलबी नगर के रुकने संभली सुधीर रेड्डी, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और दूसरे भी मौजूद थे। इस सेंटर की तामीर पर 55 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सदनगुट्टा पुलिस ने स्मार्टफोनों में मौजूद ऐप की मदद से 30 मसरूका मोबाइल फोन बरामद करने में कामयाबी हासिल कर ली है। एडिशनल डीसीपी फलकनुमा एम रशीद ने मीडिया को बताया कि बरामदशुदा फोन उनके मालिकिन के हवाले कर दिए गए। हैदराबाद को जाने वाली विस्टारा की फ्लाइट उसकी उड़ान भरने के डेढ़ घंटे के बाद ही बम्बई एयरपोर्ट वापस हो गई। बताया जाता है कि तैयारी में कुछ तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। तैयारी के मुसाफरीन में तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार और साबिक मरकजी वजीर चिरंजीवी भी शामिल थे। विस्टारा के तर्जुमान ने बताया कि मुसाफरीन को दूसरी फ्लाइट से हैदराबाद रवाना किया गया। NIA ने दिल्ली के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की फंडिंग के केस में गवाह के तौर पर तलब किया। NIA के अहदेदार के मुताबिक उपेंद्र कौल से JKLF के सदर नशीन यासिन मलिक से उनकी बातचीत के बारे में पूछताछ की गई। आवामी शोबे की 10 बैंकों के 4 बैंकों में इंतजाम से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले की बैंक मुलाजमीन ने शदीद मुखालिफत की है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के एक अहदेदार ने कहा कि बैंकों के इंतजाम का मकसद बड़े कॉरपोरेट इदारों को फायदा पहुंचाना है और उन्हें इनके कर्जों को यकजा करना है। जनरल सेक्रेटरी CH वेंकट शलम ने कहा कि बैंकों में असलाहत के नाम पर हुकूमत कॉरपोरेट इदारों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्जों की अदम अदायगी के सबब बैंकों को इस साल 66,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर के इस बयान के बाद कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ अपने बाहमी तनाज़ात पर दहशत और तशद्दुद के माहौल से बाहर निकलकर बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनका मुल्क मशरूत बातचीत के लिए आमदा है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तानी हुकूमत से नाला है और उस मसले को आलमी फोरम में ले जाने में नाकामी के बाद अब मुकम्मल तौर पर यका तना हो गया है। आलमी बरादरी ने कश्मीर के मसले को हिंदुस्तान का दाखिली मामला करार देते हुए पाकिस्तान को हर जगह निकाल दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और हल्के मलकाजगिरी के MP रेवंत रेड्डी ने आज BJP पार्टी पर इल्जाम लगाया कि अब ये पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक हिस्सा TRS हुकूमत के स्कैम में शामिल है जिसमें TRS हुकूमत ने बरकी खरीदी के नाम पर स्कैम में नोटों के बंडल बना लिए हैं और ऐसा किसी IAS ऑफिसर की क़ियादत में नहीं किया जा सकता था, इसीलिए तो प्रभाकर राव को पावर सेक्टर का CMD बनाया गया था। अभी JSC के मशहूर लीडर रघु को भी अपनी जगह से हटा दिया गया है। शहर हैदराबाद में वाक़ सेक्रेटरीट इमारत की कदीम गेट को 1 सितंबर से मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है और CM KCR के मुताबिक नई तामीरात तक वहां के सारे दफातर BR के भवन में काम करेंगे। HMDA के अहदेदारों ने आज अपने एक एलानिए में बतलाया है कि हैदराबाद के आशिकों के मशहूर अड्डे संजमैया पार्क को अब आगे से लव बर्ड्स और नौजवान जोड़ों के लिए ममनू कर देने का फैसला किया गया है। लिहाजा अब मुस्तकबिल में 14 साल तक की उम्र के बच्चे अपने वालिदैन के साथ 10 रुपये एंट्री फी के साथ यहां आ सकेंगे। गवर्नमेंट स्कूल के तुलबा के लिए उनके टीचर्स के साथ दाखिला मुफ्त रहेगा। ये फैसला पार्क में आबाशी के बहुत बढ़ जाने की कई शिकायतों के बाद लिया गया है जबकि मरकजी हुकूमत ने अभी सरोगेटिव मदर का कानून पास करके रखा हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।